21 से 23 जनवरी तक वाराणसी में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में करीब 5000 मेहमानों के आने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा 375 मेहमान मलेशिया से आएंगे। संख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर यूएई, तीसरे पर मॉरिशस और चौथे नंबर पर अमेरिका के प्रवासी काशी नगरी पहुंचेंगे। 19 जनवरी से प्रवासियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 23 तक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद 24 जनवरी को सभी मेहमान कुंभ के लिए प्रयागराज रवाना होंगे। फिर वहां से वो गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आएंगे। प्रवासियों के आगमन से लेकर दिल्ली जाने तक के लिए 250 लाइजनिंग अधिकारी लगाए गए हैं। प्रवासी भारतीयों के रहने के लिए टेंट सिटी में 450 सरस्वती कॉटेज बनाए गए हैं। एक कॉटेज में 2 लोगों के रहने की व्यवस्था है। इसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा 50 स्पेशल काशी विला बनाए गए हैं। इसमें 100 लोग ठहरेंगे। 120 त्रिवेणी कॉटेज परिवार के लिए बनाए गए हैं, जिसमें 480 प्रवासी ठहर सकेंगे। 1480 प्रवासियों के रहने की व्यवस्था टेंट सिटी में है। इसके अलावा होटलों की व्यवस्था भी की गई है। व्यायाम और योग के लिए हॉल बनाए गए हैं। 8 बेड का अस्पताल भी बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। शाम को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ओर से मेहमानों को डिनर होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 23 जनवरी को कार्यक्रम का समापन करेंगे। 21 से 23 जनवरी तक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यहीं रहेंगे। 21 जनवरी को उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।